एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिस्ट रिवीजन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सिरप। सो ये जो हमारा सिरप है वो मल्टी विटामिन सिरप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम काफ़ी सारी वीडियोस अपने मेडिसिन के बारे में, ड्रॉप्स, टैबलेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मल्टी विटामिन्स क्या है सिरप के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि काफ़ी जो हमारी मेडिसिन आती है वो कई सारी फॉर्म में आती है, जैसे आपका टैबलेट फॉर्म हो गया, इंजेक्शन फॉर्म हो गया सिरप में, और आपका क्या है ड्रॉप फॉर्म में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो मल्टी विटामिन सिरप के बारे में बात करेंगे। सिरप मल्टी विटामिन्स क्या है, हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं हम डेली डाइट में क्या है प्रॉपर विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं ले पाते हैं, एंड इनमें सिरप मींस मेडिसिन में ये चीज़ क्या इंक्लूड कर देते हैं, इसमें दिया है मल्टी विटामिन्स। इसमें क्या हमारे मल्टी विटामिन्स में कई सारे हमारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिरप मल्टीविटामिन इज़ अ सिरप मैन्युफैक्चर बाई जो भी कंपनी नेम होता है, एंड इट इज़ कॉमनली यूज टू डायग्नोस और ट्रीटमेंट ऑफ डाइट्री सप्लीमेंट, जैसे ब्रेन डेवलपमेंट, आई डिसऑर्डर, डायरिया, एनीमिया, डायरिया हो जाता है एनीमिया, और जैसे कि ब्लड की क्या है कमी देखने को मिलती है बॉडी में, आई डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, जैसे हमारा आईज़ में रिफ्रैक्टिव एरर हो गया, या काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है वो विटामिन्स की वजह से देखने को मिलती हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस क्या है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्या है, काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स क्या है देखने को मिलते हैं। इट हैज़ सम साइड इफ़ेक्ट सच एज अ वॉमिटिंग, कंसप्शन, इंक्रीज थ्रस्ट, कैल्शियम इन ब्लड। तो अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात तो उसमें काफ़ी सारे इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो सारे विटामिन्स आर इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ सिरप मल्टीविटामिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हेन इज सिरप मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब, जो मल्टीविटामिन सिरप जो प्रिस्क्राइब क्यों कब करते हैं, देन डाइट्री सप्लीमेंट के लिए एंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, आई डिसऑर्डर और डायरिया एनीमिया। डाइट्री सप्लीमेंट प्रॉपर डाइट में जो हमें लेना चाहिए वो हम नहीं ले पाते, तो उसकी उस जब हम वो नहीं ले पाते हैं देन उस हमारी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ताकि पूरा जो डाइट के जो हमारे सप्लीमेंट है प्रॉपर रहें, तो इसके लिए हम क्या है एडिशनल अलग से क्या है एक सप्लीमेंट जो कि हमारा सीरप है। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आई डिसऑर्डर्स जो कि मैंने आपको बताए थे, एंड डायरिया एंड अनीमिया। तो इन कंडीशन में क्या है हम मल्टी विटामिन्स चाहे हम टैबलेट लें, चाहे हम सिरप लें, चाहे इंजेक्शन लें, तो वो हम प्रेस्क्राइब करते हैं या पेशेंट लेते हैं। व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट ऑफ सिरप मल्टी विटामिन्स, अब हम बात कर लेते हैं इसका। मल्टी विटामिन्स के जो सिरप होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट क्या रहते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, कंजप्शन हो सकते हैं, इंक्रीज थ्रस्ट, प्यास बढ़ सकती है, कैल्शियम इन ब्लड, ब्लड में कैल्शियम देखने को मिल सकता है। एंड इसकी मैं डोज की बात करें तो डोज आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको कितने ढक्कन क्या है, कितने ml क्या है लेनी, क्योंकि हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो क्या है डोज जो लेते हैं वो ढक्कन के अकॉर्डिंग, बट उसमें एक हमारा जो मतलब कितने ml हमें लेनी होती है डॉक्टर के अकॉर्डिंग।